इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब की खिदमत करना और पंजाब ठेके पर देने में फ़र्क है। अजीम कौम बनाने के दावेदार इमरान खान के पास वजारत आला का अपना उम्मीदवार तक नहीं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि 2018 में पंजाब की अवाम ने मैंडेट नवाज शरीफ को दिया था, जो इनसे धौंस और धांधली से छीन लिया गया। ये जीते जागते अवाम का सूबा है, फितना खान की ATM नहीं। उन्होंने कहा कि गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने मेंबर्स को गुलामों से भी बदतर समझता है, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता रहा, आज इसी के लिए वोट मांग रहा है। इसको 12 करोड़ के सूबे का मालिक बनाने को तैयार है। पंजाब मनीकाला नहीं, जिसे आप कभी बुस्तार, कभी गोगी, पिंकी और इसके बेटों के हवाले कर दें। लाहौर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास शुरू करने के लिए घंटियाँ बजाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ऐवान में पहुंच गए हैं। 26 न्यूज़ के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला बनेंगे, इसका फैसला कुछ देर में हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी असम्बली में पहुंच गए हैं। इनके हुक्म पर इजलास शुरू करने के लिए घंटियाँ बजाई जा रही हैं। PTI का दावा है कि हमारे पास ऐवान में 186 अरकान मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के MPS भी ऐवान में पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि हमारे पास 180 अरकान हैं। लाहौर PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हमाद अजहर को तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत सौंपी जा रही है। डॉक्टर यासमीन राशिद एक्टिव हैं, लेकिन इनके तबी मसाइल हैं, इसलिए इन्हें तब्दील करने का फैसला किया है। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स को कहा है कि आवाम निकलेंगे तो सबको समझ आ जाएगी, सरकारी मुलाजम आवाम के सामने नहीं ठहर सकता। उन्होंने कहा कि हैरान हूँ जिस तरह लोग ज़िमनी इंतखाब में बाहर आए हैं, मुझे पता चला है डिप्टी स्पीकर दोस्त बाजारी को समझ आ रही है, वो ठीक है। लाहौर वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान 2 दिन के बजाय 7 दिन लाहौर में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहिब, अब आपको बराबर का जवाब मिलेगा। इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के इंतहाब से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम सियासत के मैदान में इमरान खान का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करते हैं कि फ़ारन फंडिंग का फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम मुल्क बचाते रह गए तो हमें इलेक्शन में धकेल दिया गया, इमरान खान का गन साफ करते रहे, जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त हुई। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ये शख्स भरोसे के काबिल नहीं। लाहौर फैसल शाहकार को IG पंजाब तैनात कर दिया गया। राव सरदार अली को IG रेलवे तैनात कर दिया गया। IG पंजाब राव सरदार अली ने आज काम से माजरत कर ली, जिसके बाद राव सरदार अली को तब्दील कर दिया गया है।